That's how. Rolling! Action! दोस्तों आज हम इस वीडियो में उस मूवी के बिहाइंड द सीन्स आपको दिखाने वाले हैं जिसके सीक्वल को ऑडियंस ने 22 साल के बाद भी एक त्योहार की तरह एंजॉय किया। गदर 2 में तारा सिंह फिर एक बार पाकिस्तान जाता है, लेकिन इस बार पहले की तरह सकीना के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे जीते को बचाने के लिए। और वहाँ वो कैसे गदर मचाता है ये आपको पता ही होगा अगर आपने ये मूवी देखी होगी तो। गदर 2 मूवी की शूटिंग कैसे और कौन से रियल लोकेशंस पर हुई थी ये आपको इस वीडियो के जरिए जानने को मिलेगा, तो इसे बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। उर्जा काले कावा ये मूवी का फर्स्ट सॉन्ग है और इसकी शूटिंग हिमाचल प्रदेश के पालमपुर गांव में हुई थी। इस सॉन्ग में दिखाया गया मकान मेकर्स ने कुछ सीन्स को शूट करने के लिए रेंट पे लिया था। 22 साल के बाद कपल में वही प्यार और केयर दिखाने के लिए इस सॉन्ग को रिक्रिएट किया गया। सॉन्ग की शुरुआत में सनी सर को कुर्सी पर सारंगी बजाते हुए दिखाया गया है। स्क्रीन पर देखिए कि कैसे उस सीन की शूटिंग की गई थी। सनी देओल एक जगह पर बैठे हैं और रोलिंग कैमरा उनके अराउंड घूम रहा है। देखिए कैसे गदर की टीम ये सीन सनी सर और अमीशा मैम को समझा रहे हैं। स्क्रीन पर दिख रहा ये सीन उसी मकान के बरामदे में शूट हुआ है। से शूट करने के लिए क्रेन कैमरा का इस्तेमाल हुआ है और बाकी सीन्स के लिए अलग अलग एंगल से शॉट लिए गए थे। मैं निकला गड्डी लेके इस गाने को रिक्रिएट किया गया है और इसे जीते के बर्थडे के ओकेशन के टाइम पर दिखाया गया है। इसमें जीते बाइक चला रहा है और उसके पीछे तारा बैठा है ऐसा हमें लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो दोनों सिर्फ बाइक पे बैठे हैं और बाइक को नीचे स्लाइडर की मदद से कैसे मूव किया जा रहा है देखिए। सामने कोरियोग्राफर शबीना उन्हें पूरा सीन समझाते हुए दिख रही हैं। इस पूरे गाने की शूटिंग उसी पालमपुर वाले मकान में हुई थी। सॉन्ग के लिए काफी सारी प्रैक्टिस की गई थी और लाइट्स फोकस पे भी ज्यादा ध्यान दिया गया था। सॉन्ग सीन शूट करने के लिए रोलिंग कैमरा, क्रेन कैमरा, स्लाइडिंग कैमरा ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कैमरास का इस्तेमाल हुआ है। आगे मूवी में राम टेकड़ी पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान की आर्मी वहां हमला कर देती है। राम टेकड़ी पर जवानों को हथियार पहुंचाने की जिम्मेदारी तारा सिंह पर आ जाती है। ये पूरा एक्शन सीन महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में शूट हुआ है। इस पूरे सीन को स्पेशली रात के समय शूट किया गया था ताकि ऑडियंस को देखते समय रियलिस्टिक फील आए। इस सीन में आर्मी की टीम्स दिखानी जरूरी थी, इसलिए मेकर्स ने 200 बॉयज को इंदौर फिजिकल एकेडमी से हायर किया था। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे बस से सारे लड़के शूटिंग के लोकेशन पर आने के बाद कैसे उनके ट्रेनर ने उन्हें अलग अलग लाइन में खड़ा किया था, वो इसलिए क्योंकि इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी का रोल उन्हीं लड़कों को प्ले करना था। ट्रेनर सबको समझाते हुए कैसे सबका हौसला बढ़ा रहे हैं आप ही वीडियो में देखिए। स्क्रीन पर दिखा रहे इस क्लिप में सनी देओल दो आदमी को उठा के फेंक रहे हैं, पर असल में उन दोनों आदमियों को रस्सी से बांध कर उड़ाया गया था। ऐसा लगता है कि राम टेकड़ी पर बड़े बड़े बॉम्ब के धमाके हो रहे हैं, पर इस बिहाइंड द सीन को अगर आप जरा गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि थोड़े ज्यादा पावर वाले फटाके बचते हैं। रियलिटी भी यही है, वहाँ कोई बॉम्ब नहीं फोड़े गए थे बल्कि बॉम्ब के रियलिस्टिक फील के लिए टीम ने फटाके का ही इस्तेमाल किया था। ये राम टेकड़ी वाले कुछ और एक्शन सीन के BTS क्लिप देखिए कि किस प्रकार इन सीन्स को शूट किया गया था। स्क्रीन पर आपको लोगों की ये भीड़ दिख रही होगी, वो सब सनी पाजी के फैंस हैं जो इस सीन की शूटिंग के टाइम उनको देखने के लिए आए थे। सुना है वहाँ पर मेला भी लगा हुआ था और फैंस ने जमकर शूटिंग को एंजॉय भी किया था। स्क्रीन पर दिख रहे इस सीन में मुस्कान को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसकी शूटिंग उत्तर प्रदेश के अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में हुई है। देखिए मुस्कान कैसे दौड़ती हुई आकर अपने अब्बा से खुशी से बात करती है। ये रहे उस शूटिंग के कुछ BTS क्लिप्स। तारा सिंह को पाकिस्तान ने कैद किया, ऐसी गलतफहमी सबको हो गई थी। जीते अपने पापा को ढूंढते हुए पाकिस्तान चला जाता है, वहाँ पर उसकी मुलाकात मुस्कान से हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे ये बिहाइंड द सीन चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं सॉन्ग का है, जहाँ पर कोरियोग्राफर शबीना खान सॉन्ग के हुक स्टेप्स एक्टर्स और डांसर्स को सिखा रही है। देखिए
कैसे नमाज पढ़ने वाले सीन की प्रैक्टिस शबीना खान ने एक्टर से करवाई थी। शबीना ने इस गाने को खूबसूरत बनाने के लिए देखिए कितनी मेहनत की है। जीते को छुड़ाने जब तारा सिंह पाकिस्तान जाता है तो उस सीन की शूटिंग कुछ इस प्रकार से हुई थी। इसमें सीन को शूट करने के लिए अलग कैमराज, अलग एंगल्स का इस्तेमाल किया गया है। आगे जब जीते पाकिस्तान में पकड़ा जाता है तब उसे तोप से उड़ाने की सजा दी जा रही होती है। उसी समय अपने बेटे को बचाने के लिए तारा वहां पर आता है। ये स्क्रीन पर दिख रहा ये सीन इसी का BTS है। इस पूरे सीक्वेंस को उत्तर प्रदेश के एल.ए. मार्टिनियर कॉलेज में शूट किया गया था। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह तारा सिंह तोप का पहिया उठाकर फेंकता है, तब ऐसा लगता है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा हो। एक्चुअल में उस पहिये को रोप से बांधा हुआ था ताकि उसे उड़ाते समय कंट्रोल किया जा सके। एक्शन सीन्स के समय हवा में धूल उड़ाने के लिए टेक्निकल टीम ने ब्लोअर्स का इस्तेमाल किया था। जब इसकी शूटिंग चल रही थी तब देखिए कॉलेज में लोगों ने कितनी भीड़ लगा दी थी। ये BTS उस सीन का है जहां तारा एक साथ चार आदमियों को हवा में फेंकता है। देखिए उन चारों आदमियों को कैसे दूसरी ओर से रस्सी से बांध कर खींचा गया था। पाकिस्तानी आर्मी से तारा सिंह अपने बेटे को एक बार बचा लेता है, लेकिन फिर भी उन दोनों का वो पीछा नहीं छोड़ते। वो दोनों जिस भी गली से भागते हैं वो मूवी में दिखाई गई पाकिस्तान वाले गलियों की शूटिंग उत्तर प्रदेश के लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में हुई है। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये फाइटिंग सीन कैसे शूट हुआ था देख लीजिए, जहां पर जीते ने एक तगड़ा एक्शन मूव भी दिया है। जब तारा सिंह और उनका बेटा भागते भागते फायर टैंकर पर चढ़ जाते हैं, उसी टैंकर को पाकिस्तान पुलिस उड़ा देती है। तब बचाने के लिए वो दोनों नीचे से जा रही ट्रेन पर कूद जाते हैं। इसका शूटिंग लोकेशन है कर्नाटका स्टेट का शिराधोन गांव। इस सीन को परफॉर्म करते समय उत्कर्ष शर्मा को कैसे रस्सी के सहारे नीचे लाया जाता है देखिए। कड़ी मेहनत के बाद ये शूटिंग शेड्यूल कम्प्लीट किया गया था। सीन के रियलिस्टिक फील के लिए टैंकर को सच में आग लगाई गई थी और इस सीन के लिए कोई भी VFX का इस्तेमाल नहीं किया गया। गदर 2 में तारा सिंह ने हैंडपंप तो नहीं उखाड़ा, पर हैंडपंप से पाकिस्तानी लोगों को डराया जरूर है। इस सीन में पाकिस्तानी लोग उसे मारने के लिए तलवार लेकर उसके पीछे पड़ते हैं। तारा अचानक रुक जाता है, तब सबके चेहरे पर एक डर दिखाई देता है क्योंकि वो हैंडपंप के नजदीक खड़ा होता है। उसने ऐसे ही हैंडपंप से गदर 1 में पाकिस्तानियों की धुलाई कर दी थी। वो डर अभी भी उनके चेहरे पर है, ऐसा दिखाया गया है। उस सीन की शूटिंग कुछ इस प्रकार की गई थी। तारा हैंडपंप उखाड़ने के लिए उसके पास जाता है। इस सीन को कैमरामैन ने अलग अलग कैमरा एंगल से भी शूट किया था। ये मूवी का क्लाइमेक्स एक्शन सीन है जहां पर तारा, जीते और मुस्कान को बांध दिया जाता है। तारा वहां तलवार की नोक पर भी हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है। उस सीन को कुछ इस प्रकार से शूट किया गया था। स्क्रीन पर दिख रहा ये BTS उसी सीन का है जहां पर तारा ने पाकिस्तानी आर्मी के जनरल हामिद इकबाल को पकड़ा था। इस क्लाइमेक्स वाले सीन्स में बहुत सारे टैंक्स का इस्तेमाल किया गया था जहां उन्हें ब्लास्ट करवाया गया है। तो इस प्रकार हमने गदर 2 मूवी के ऑलमोस्ट सभी बिहाइंड द सीन्स को कवर करने की कोशिश की है। पूरे मूवी में VFX का इस्तेमाल ऑलमोस्ट ना के बराबर किया है। इस मूवी की पूरी शूटिंग हमारे भारत देश में ही हुई है, जिसमें महाराष्ट्र के अहमदनगर, UP के लखनऊ, हिमाचल प्रदेश के पालमपुर जैसे शहर भी शामिल हैं। आप और कौन सी मूवी के बिहाइंड द सीन्स देखना पसंद करोगे, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।